কেএমএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মেধা পাটকাৰ আৰু সন্দীপ পাণ্ডেৰ সংবাদমেল। অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবী কৰিলে দুয়োগৰাকী আন্দোলনকাৰী নেতাই। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে অখিলক মাওবাদী সজাইছে। কৃষক মুক্তিৰ অবিহনে বিকল্প আঁচনি দল হোৱাটো অসম্ভৱ বুলি মন্তব্য কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে। আছুৰ নেতৃত্বত হোৱা আন্দোলনক চৰকাৰী আন্দোলনৰ গুণ পাইছে সন্দীপ পাণ্ডে। কেজৰিৱাল নে উনকো দিল্লী মে সন্মানিত কিয়া থা সূচনা কে অধিকাৰ পে আচ্ছা কাম কৰনে কে লিয়ে আসাম মে তো মেনে ইয়ে সৱাল পুছা থা কি ভাই क्या माओवादी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने का काम करते हैं? तो जो आदमी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, किसानों के मुद्दे को उठाया, बाद में लोअर सुबनसरी डैम के खिलाफ उसने आंदोलन किया, और जो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है काजीरंगा में जो उन्होंने ऑर्किड और बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है, जो एक मॉडल है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होना चाहिए, तो सरकार को तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है। और दूसरी बार जब मैं आया, जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर रासुका लगा के उनको जेल में डाल दिया था जैसे ही ये सरकार बनी थी, और अब ये तीसरी बार है। हम लोग हमेशा इसलिए आते हैं, मैं, मेधा जी या योगेंद्र यादव, इस तरह के लोग जो जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अखिल गोगोई कोई माओवादी नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है जो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलन में शामिल होते हैं, वो इस प्रदेश की आम जनता के हितों के लिए काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं।